अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा है, स्टार्टअप समझ गए होंगे, आज की वीडियो जनाब साइकिलिंग से रिलेटेड है। आज मैंने खर्चा किया है तो मैंने कहा कि चलो साइकिलिंग पे इसको यूज़ करके चेक करते हैं। हेलमेट लिया है इसका, एक अच्छा सा लिया है, इसकी टी शर्ट सी ली है साइकिलिंग की जो स्पेशल होती है, और ये बैग लिया है। यहाँ पर मोबाइल वगैरह डालूंगा, अलास्का का, अलास्का अमेरिका का एक प्रोविंस है, साइड पर है, बहुत दूर है, बर्फ़ होती है हर वक्त। तो ये होगी बात दूसरी। तो हमने आज इधर जो है ना क्रिकेट मैच खेलना है, ये जो पीछे ग्राउंड है, हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, पुराने प्लेयर, और कैमरे के पीछे असन साहब। तो इन्होंने बोला क्रिकेट मैच खेलना है, मैंने कहा मैं थोड़ी साइकिलिंग टेस्ट करके आ जाऊँ, तब तक इनको इधर लगाते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। इधर टांगा हुआ है तो ये तब तक वार्म अप करेंगे, और गेंद और बैट से तब तक मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, एक ट्रैक करके आऊँगा साइकिल पर, ताकि सारे गियर्स जो है साइकिलिंग के चेक हो जाएं, कैसा फील होता है, साथ में थोड़ी सी आपकी भी इंटरटेनमेंट हो जाएगी। बाकी साइकिलिंग में मैंने जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड किया था, ये चीज़ लगाई थी, पता नहीं मैंने बताया नहीं पिछली वीडियो में, तो यहाँ से बारिश में पानी ऊपर आता था। फ्रंट का भी लिया था मगर वो सेट नहीं हो रहा था, वो जगह सही नहीं थी, तो फिलहाल ज़रूरी बैक का ही था, तो ये मैंने सेटअप कर दिया। हेलमेट का भी सेटअप मैंने कर दिया। तो अभी मैं GoPro लगाता हूँ यहाँ पे और आपको थोड़ा पार्क की नेचर दिखाता हूँ सारी, थोड़ी सी ट्रैक वगैरह करते हैं, ठीक है? चलिए आइए। तो चले जी अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ से मेन रोड पे चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर। अंधेरा आपको फील होगा क्योंकि दरख्तों की छाँव है बहुत ज़्यादा। यहाँ से मारेंगे लेफ्ट और ये हमारा ट्रैक शुरू हो गया जी, इस पार्क की दूसरी साइड की तरफ जाएंगे। ये पार्क बहुत ज़बरदस्त है, हमारे घर के पास है, काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे लोग आए हुए हैं, अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये राइट साइड पे लेक है छोटी सी, और लेफ्ट साइड पे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट पे मोस्टली लोग बूढ़े बैठे होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप आगे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये फ़ायदा होता है नेचर का जब आपके घर के पास कोई इस तरह की जगह हो। ये देख सकते हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग फिट होते हैं जी, एक तो रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, आउटिंग करते रहते हैं, इसलिए यहाँ के लोग फिट होते हैं। बूढ़ा भी आपको साइकिलिंग करता हुआ नज़र आएगा, रनिंग करता हुआ नज़र आएगा, और यंग बंदे भी और बच्चे भी। ये राइट साइड मेरे, उन्होंने पार्क में तीन जो हैं गायें छोड़ी हुई हैं। लेफ्ट साइड पे दो तीन गधे छोड़े हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे घोड़े भी छोड़े हुए हैं, छोटे कद के और बड़े कद के, ताकि लोग पूरा एंजॉय कर सकें। यहाँ से चलते हैं राइट। ये देखें जी टैंक है पूरा। तो ये मेरे लेफ्ट साइड पे सारे ग्राउंड्स बने हुए हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, कुछ डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं। राइट साइड मेरे लेक है छोटी सी। तो आज मैं आपको पूरा टूर कराऊंगा इस पार्क का मोटा मोटा। अभी यहाँ से कहीं से ऑफ रोडिंग करते हैं, आई थिंक यहाँ से, हाँ तो अभी स्टार्ट हो गया जी कच्चा। तो बिल्कुल नेचर से भरा हुआ देखने आप, बेल्जियम की यही खूबसूरती है, नेचर बहुत ज़्यादा है।
अभी मौसम भी सही है आज का, ना गर्मी है और ना सर्दी है। ये सारा चेक करें जी, नेचर चेक करें। मैं कैमरे का थोड़ा एंगल सही करूं, अभी आपको सही से समझ आएगा। परिंदों की आवाज़ें, एकदम फ्रेश माहौल। और यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना चाहिए या राइट, कोई पता नहीं। ये सामने एक ट्रैक सा बना हुआ है, इसको करते हैं, क्या सीन आता है इसको चेक करते हैं। इसके ऊपर साइकिल चढ़ा के चेक करते हैं पूरा सीन। ये आ गया जी, वाओ। ये पता नहीं, अरे यार आगे से ख़त्म है, कोई बात नहीं, हम जुगाड़ लगा लेंगे। यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। तो ये ट्रैक सा कुछ बना हुआ नीचे, लकड़ियों का है सारा। वाओ, मज़ा आ रहा है यार इस पे चलाते हुए। ओ बूम बूम, वाओ। और बीच में दरख्त आ गया जी, जूम, वाओ। ये होता है मज़ा, फन 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 में हम कहीं नीचे ना चले जाएं। लवली यार, लवली, मज़े की चीज़ है ये। अच्छा है फन के लिए। डेंजरस। अभी इसको छोड़ते हैं, अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू करते हैं इस साइड पे। सो ये देखें जी, अभी ये बिल्कुल जंगल है घना। कोई चांद रख मेरी शाम पर। परिंदों की आवाज़ें सुने जी, अगर आपको आ रही हैं तो ये मैं आपको बता रहा था। यहाँ बेल्जियम में साइकिलिंग बूढ़ा बच्चा जवान हर बंदा करता है, समझ लें कि हर बंदे की पहली चॉइस साइकिल है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़रूरत है यहाँ की, बिना साइकिल के यहाँ गुजारा ही नहीं है। ये देखें कीचड़ कीचड़। अब यहाँ से लेफ़्ट चलें या राइट चलें? राइट चलते हैं जंगल की तरफ। इसलिए फिटनेस का राज, और मेरे लेफ़्ट साइड पे पानी चल रहा है जैसे दरिया होता है, छोटा सा नाला। आवाज़ आ रही होगी आपको, वो सामने पानी भी है। और अंदर आते ही बिल्कुल अंधेरा शुरू हो जाता है। यहाँ पे खरगोश बहुत होते हैं इन जगहों पे, जंगली खरगोश, चीड़ के दरख्त। और रास्ता मुझे कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ जी। कौवे। और अभी जंगल से बाहर आ चुका हूँ जी, और अभी सीधा रास्ता है आगे, पक्का रास्ता है। कोई बंदा नहीं है इस साइड पे, बिल्कुल साइड पे है ये जगह। यहाँ से भी एक ट्रैक जाता है राइट साइड पे, मैं सीधा जाऊंगा आगे। वाओ, ये मेरे राइट साइड खरगोश है, मगर उधर मैं जा नहीं सकता अभी। यहाँ से आई थिंक मुझे ट्रैक करना चाहिए राइट वाला, जंगल वाला। चलें जी, जंगल की तरफ मुड़ते हैं एक बार फिर से, दूसरे जंगल की तरफ। बिल्कुल कच्चा रास्ता है, देख सकते हैं आप खूबसूरती चेक करें नेचर की, घास फूल पत्ते। और आगे लोग रनिंग भी कर रहे हैं। ये ट्रैक तो मेरी टांगें भी नंगी हैं, और यहाँ पे वही एलर्जी वाला पौधा है,
वो अगर टांगों पे लग गया तो खारिश हो जाएगी। वो मैं दिखाता हूँ कौन सा पौधा है, तो ज़रा सा टच हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे ना किसी सांप ने काट लिया हो, इतनी दर्द होता है, इतना तेज़। ये क्या है? ये है जी आखरे जो हमारे कश्मीर में होते हैं। पास से दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें, इनको बोलते हैं जी कश्मीर में आखरे। अभी कच्चे हैं, जब पकेंगे फिर आएंगे इनको खाने के लिए। ये सारा वही है, बेरीज भी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए राइट साइड का नज़ारा भी चेक करें, खूबसूरत सी घास है। और ये जो आखरे हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, लेफ्ट राइट थोड़े से पके हुए भी हैं, मगर अभी नहीं, बाद में आएंगे, प्रॉपर तरीके के साथ इनको खाएंगे आगे। तो घना जंगल शुरू हो गया जी। ओह माय गॉड, ओए, चलें जी स्पीड पकड़ते हैं और घने जंगल से बाहर। जूं ही आप इसके अंदर आ जाए अंधेरा हो जाता है, बहुत घना होता है। इसलिए पिछले दिनों में मैं आया था जब बहुत तेज धूप थी इस साइड पे, तो बिल्कुल अंदर अंधेरा था, बिल्कुल जैसे अभी देख रहे हैं आप, शायद कैमरे में सही समझ ना आ रही हो। अरे भाई गिरने वाला था। इस साइकिल के टायर भी छोटे छोटे हैं, वैसे ये इस तरह कच्चे पे चलने वाली नहीं है, मगर मैं इसको चला रहा हूँ। तो अगेन जनाब पक्के पे आ चुका हूँ बाहर, और यहाँ से राइट चलूँ या लेफ्ट चलूँ, तो राइट चलते हैं जी, यहाँ पे इस साइड पे चलते हैं, आगे चेक करके आते हैं क्या है। यहाँ से शहर शुरू हो गया आगे, ये पीछे आबादी है, यहाँ से डेड एंड ना मिल जाए आगे। हसीनाओं ने मेरा रास्ता रोक लिया। जो तो इस तरह ट्रैक्स होते हैं जी, बहुत दूर दूर जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, तो वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह फिर कभी। फिलहाल मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने आसपास, ये देखें कितने ज़बरदस्त ट्रैक बने होते हैं ऐसे। यहाँ से लेते हैं जी लेफ्ट या राइट, लेफ्ट तो बंद है और राइट रोड है, यहाँ से वापस मुड़ते हैं। अगेन वापस आ गया हूँ, अब इस साइड पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और मेरे ख्याल में ओए, अरे भाई आगे कच्चा है, बिल्कुल बिल्कुल पथरीला रास्ता है आगे। ये वैसे साइकिल के लिए नहीं है, ओ या 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 या, पत्थर साइकिल के लिए नहीं है, ये वैसे ही गाड़ी का रास्ता है यहाँ पे। ओहो, बहुत ज़्यादा जंप लग रहे हैं भाई, इस परिंदे की आवाज़ बहुत खूबसूरत है जो आपने सुनी है, ब्लैक कलर का होता है, ये बेल्जियम में बहुत है। ओ, यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, और कोई बंदा नहीं यार इस साइड पे, मेरी आंख में चला गया मच्छर। ओ शिट, इतनी बड़ी जगह और कोई बंदा भी नहीं है इधर, और लिखा हुआ अंदर जाना मना है, प्राइवेट जोन है। यहाँ से लेते हैं किधर चले, लेफ्ट, यहाँ से राइट वापस। तो ये जगह है जो कोई अबैंडेड प्लेस है, ये मेरे सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ठहरें। यहाँ पे आई थिंक कुछ कोई चीज़ थी, मगर अभी ये अबैंडेड है, बंद है। ये अंदर है, बहुत सी बड़ी जगह है, तो काफ़ी चीज़ें खेलने के लिए बनी हुई हैं,
एडवेंचर करने के लिए, बच्चों के लिए होगा शायद, मगर ये बंद है अभी, इसको छोड़ते हैं आगे चलते हैं। हवा भी अभी चल पड़ी है तेज, ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी देखें कितनी पुरानी है और अबैंडेड प्लेस है। गाड़ी का नंबर है 067JC और पता नहीं है, अजीब सा प्लेस है इसमें, पता नहीं क्या है, मगर अबैंडेड है। जैसे फिल्मों में होता है एक कोई पार्क अबैंडेड हो जाता है किसी भूत की वजह से, चुड़ैलों की वजह से, ये भी पूरा अबैंडेड है, बंद है। तो आ गए जी पक्के पे, अभी मैं कैमरे का रुख घुमाता हूँ, थोड़ा अपनी तरफ रखता हूँ, हो सकता है कैमरे का रिज़ल्ट साफ़ ना हो, क्योंकि कैमरे का रुख आसमान की तरफ है, तो आसमान पे होने की वजह से बैकग्राउंड वाइट है और मैं ब्लैक नज़र आऊँगा। तो ओए थोड़ा सा आसमान भी आप चेक कर लें, वेदर आज काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है और ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है। मैंने भी आज पूरे साइकिलिंग के जो गियर्स हैं सारे पहने हुए हैं, इसलिए मज़ा भी आ रहा है, लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे, आगे पीछे निकले होते हैं। यहाँ से के जंगल में चलते हैं, तो अभी एक और ऑफ रोड लेते हैं यहाँ से कच्चा, आई थिंक आखिरी होगा ये, उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा शायद। ओए कीचड़ भी है, वैसे यहाँ पे मेरा टायर भी पंचर हो सकता है, मैं गलत कर रहा हूँ, जो इस पे टायर लगे हैं ना ये वैसे रेसिंग वाली साइकिल है, रेस करने के लिए जो होती है, इसके टायर वो लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ कांटा वांटा लगा, पत्थर लगा तो पंचर हो जाएगी थोड़ा सा, रिस्क भी तो लेना चाहिए ना ज़िंदगी में, खर्चा हो जाएगा अगर मेरा ये टायर पंचर हो गया, ये वाला महंगा मिलेगा। थोड़ी सी देते हैं रेस, फिर देखते हैं क्या बनता है। सही स्पीड लगाएंगे मगर यहाँ मेरा टायर का रिम ना टेढ़ा हो जाए किसी पत्थर पे लगने से, ये पता नहीं रास्ता जहाँ कहाँ पे रहा है, कोई आइडिया नहीं है मुझे, जहाँ पे भी जाएगा जाएंगे। ओ शिट, ये आ गया था मुश्किल पैच छोटा सा, यहाँ पे किसी के देखे कीचड़ में टायर गए और उसके साथ क्या हुआ है। ओए ओए मैं भी जा रहा था, ओ मार गए भाई, अब यहाँ से कहाँ से निकालें गाड़ी, कीचड़ कीचड़ कीचड़, पा 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 पा। साइड में वही एलर्जिक एलर्जी वाला पौधा, उप्स फंस गई भाई गाड़ी, ओए 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 ओ ये क्या किया मौसम यार, क्या कर दिया यार, उपा पूरे टायर जो है ना अंदर दस जाते हैं कीचड़ में। ये देखें जैसे कि यहाँ पे बुरा हाल हुआ पड़ा, ये चेक करें, अभी लेफ्ट से निकालूंगा तो बहुत गहराई है, ये लेफ्ट से जाऊँ या राइट से, चलो ओ मां यार उतरना पड़ेगा, उतर के जा रहा हूँ मैं, पड़ गया पंगा, पंगा पड़ गया भाई, उफ शिट, ओए घुटने में लगा यार पैडल, ओ तितर, वो बहुत खूबसूरत परिंदा था यार, मैंने शोर किया उड़ गया, वो जा रहा है, आवाज़ सुनिए, बहुत खूबसूरत परिंदा था, ग्रीन कलर का,
और ये ट्रैक पता नहीं जा कहाँ रहा है, बहुत लंबा है। और ये आगे जी पौधे वगैरह, डेंजरस डेंजरस डेंजरस, क्रच क्रच, मजा आ रहा है ऐसी जगह पे। आई लव इट। घूमते घूमते कहीं से तो निकलेगा ना, निकलेगा कहाँ से, लगता है डेड एंड आ रहा है। और डेड एंड नहीं हो रहा इसका भाई, और मैं थक भी गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग हो गई आज। और यहाँ से आ गया जी इसका ओपन एरिया, ये देख रहे हैं यहाँ से टायर पंचर हो सकता है। मज़े की घास है, बहुत खूबसूरत घास है। लेफ्ट राइट चेक करें, सूरज भी निकला है पीछे से। इसको बोलते हैं नेचर, नेचर लवर्स के लिए जन्नत। तो सूरज भी पपियां कर रहा है जी, ये देखें लेफ्ट गाल पे राइट गाल पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओ यार, हर चीज़ का अपना एक फ़न है, अपना एक मज़ा है। बाइकिंग, साइकिलिंग, गाड़ी का, स्पोर्ट्स, कोई भी चीज़ आप करते हैं उसका अपना ही एक मज़ा है। तो लाजमी किया करें ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, मस्ट किया करें जी ये चीज़ें। हर वक्त काम काम काम, साला जंड जिंदगी, हर वक्त काम नहीं करते भाई, कभी कभी इंजॉय भी करते हैं। तो चले अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या है। काफ़ी थकावट हो चुकी है जी, और सूरज कभी निकल रहा है ओए, और कभी जा रहा है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ जहाँ पे दो लड़के छोड़ के आए थे क्रिकेट के लिए। देख रहे हैं अंधेरा एकदम से, दरख्तों की घनी छाँव, और यहाँ से मारते हैं लेफ्ट या राइट। पानी, मेरी टीम उधर ऊपर है, उसकी तरफ चलते हैं। थोड़ा दूर से शॉट जाता है। ये आ गया जी खुला मैदान जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, और हसन और काशिफ ऑलरेडी खेल रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्रैक करके आता हूँ 5-6 किलोमीटर का, थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया है। तो ट्रैक मेरा फिनिश हो चुका है, सारी वीडियो नहीं बनाई है, अभी चल के क्रिकेट खेलते हैं। और ये आ गए जी हम अपने ग्राउंड में, अस्सलाम वालेकुम हबीबी। ये जनाब आ गए काशिफ साहब, देखें मुंह बनाया हुआ है, बहुत मज़ा आता है। इनको क्या पता, ये छोरों को क्या पता, बेटा इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। अच्छा तो अभी वीडियो करता हूँ जी ख़त्म, क्रिकेट खेलता हूँ, इनको अभी थोड़े छक्के लगाता हूँ। गाड़ी स्टैंड आए कौन कुछ ला, पीछे आवाज़ें सुने जी नेचर की। एक मिनट यार मुझे सांस लेने दो। ये लड़के रो रहे हैं जी, थोड़ी नो,
बनाता हूँ, एक मिनट वेट करो। तो साइकिलिंग की वीडियो यहाँ पे होती है ख़त्म। मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ और क्रिकेट खेल लूँ, इन लड़कों को थोड़ा सा छक्के मार के दिखा लूँ। तो अभी इस तरह की वीडियोस आया करेंगी छोटी मोटी, क्योंकि अभी गर्मी है और यही टाइम है साइकिलिंग का, फ़िशिंग का, इन चीज़ों का यही टाइम होता है। बाकी उसके बाद आपको पता है बेल्जियम का वेदर कैसा है, हर वक्त बारिश बारिश बारिश। तो यही टाइम है, इसमें अभी मैं इंजॉय करूँगा यही जो छोटा मोटा आपको साथ में दिखाऊँगा। और मेरा मूड है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर में साइकिल पे जाऊँ, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसमें मेरे जो साइकिल के टायर हैं अभी ख़राब हैं, इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकते। तो वो सारा सेटअप करने के बाद मैं इंशाल्लाह एक बार यहाँ से एंटवर्पन से ब्रसल कोशिश करूँगा एक दिन साइकिल पे जाऊँ और वापस आऊँ, देखते हैं हो पाता है या नहीं। तो जो लोग मुझे देखते हैं, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है, हर बार मेरी ज़बान अटक जाती है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, कमेंट करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।